हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एंड कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। वन बाय वन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे। सो सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है DES पुणे यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। डिपार्टमेंट कौन कौन से रहेंगे? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, डिज़ाइन एंड आर्ट। इसमें आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट वैकेंसी आई है GLA यूनिवर्सिटी, यहाँ से वैकेंसी आई है। इसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको दिख जाएगा। और डिपार्टमेंट कौन कौन से रहेंगे? मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे। और यहाँ पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 26 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है। यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे भेजना होगा, अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड वैकेंसी पे। थर्ड वैकेंसी आई है बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा से, ये पंजाब में है। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वैकेंसीज के अंदर आपको ये सारी वैकेंसी दिख जाएंगी, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे। बाबा फरीद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद है मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद है बाबा फरीद कॉलेज BFC। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, पंजाबी, टूरिज्म, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स रहेंगे। देन उसके बाद है बाबा फरीद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन उसके बाद है बाबा फरीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन कुछ यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसीज हैं। ये 22 दिसंबर का नोटिस है, 22 दिसंबर 2023 का, और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ से आई है? HIMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये नोएडा में है। इसमें आप करंट वैकेंसीज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज शो हो रही है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस पर आप यहाँ पे ये फिल करके इसको आप सबमिट करके रख सकते हैं। जैसे ही इंटरव्यू होगा, जब भी इंटरव्यू होगा, आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, सो ये थी नेक्स्ट वैकेंसी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये झारखंड में है। और इसमें वॉक इन इंटरव्यू रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो इंटरव्यू रहेगा 5 और 6 जनवरी को रहेगा। और जो डिपार्टमेंट्स और सब्जेक्ट्स रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे? वेटरनरी साइंस एंड एनिमल से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स रहेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5 जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इसमें। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वैकेंसी आई है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 8 जनवरी। और इसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में डिपार्टमेंट रहेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट, और उसके बाद है पेडागोजी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वैकेंसी पे। लास्ट वैकेंसी आई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। इसमें मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के डिपार्टमेंट्स बता देती हूँ। वेट, यहाँ पे नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। सबसे जो पहला रहेगा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की विजुअल स्टडीज़ में वैकेंसी आई है। उसके बाद रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, वेट, इसके बाद रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर जापानीज लैंग्वेज में, यहाँ से वैकेंसी आई है। उसके बाद रहेगा 27 नंबर सीरियल नंबर रहेगा, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, इंग्लिश में वैकेंसी है। उसके बाद, इसके बाद ही लिखा हुआ है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेंच में वैकेंसी है। उसके बाद 40 सीरियल नंबर रहेगा, वेट, 40 सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ से वैकेंसीज हैं। और उसके बाद है 47 सीरियल नंबर, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में। और उसके बाद एट लास्ट रहेगा 53 सीरियल नंबर, दैट इज़ पॉलिटिकल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रहेंगी। सो ये थी आज की वैकेंसीज। ऐसे ही और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।